हम स्वागत करती हूँ दीदी की रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे खजूर की बर्फी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बादाम के टुकड़े लिए हैं और यहाँ पे काजू के टुकड़े लिए हैं और मैंने ढेर सारा यहाँ पे खजूर लिया है और यहाँ पे मैंने कुछ तिल लिया है, यानी कि ये एक कटोरी है, और यहाँ पे मैंने अरसी ली है और यहाँ पे सिंगदाना लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको कितना डालना है। तो चलिए इसे भून लेते हैं हम। मैंने यहाँ पे एक कप सिंगदाना लिया है, तो इसे रोस्ट कर लेंगे। तो इसे चटकने तक अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं, इसे लो फ्लेम पे भूनेंगे तो अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगदाने हमारे भून रहे हैं थोड़ी देर। तो देखिए फ्रेंड्स, एक से डेढ़ मिनट के अंदर सिंगदाने हमारे भून गए हैं, तो अब मैं निकाल लेती हूँ। तो बारी तो मैंने यहाँ पे अरसी ले लिया, इसे भी हम बारी बारी रोस्ट कर लेंगे। अरसी हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद रहती है और औरतों को तो एक चम्मच रोजाना खाना चाहिए। तो ये इसे भी हमें चटका लेना है अच्छे से। इसी तरह फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सफेद वाली तिल ले ली है, इसे भी रोस्ट कर लेना है एक से डेढ़ मिनट के अंदर। ये रोस्ट हो जाते हैं, इसे हल्के फ्लेम पे यानी कि लो फ्लेम पे इसे भून लेना है। इन्हें रोस्ट करते हुए फ्रेंड हमेशा इन्हें करछी से हिलाते तो इसे रोस्ट करते हैं उस समय हमेशा इसे हिलाते रहना है, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगते हैं। तो इनका कलर चेंज होने लगा है, मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। आप इन सबको एक साथ भी भून सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने बादाम और काजू को साथ में ले लिया है भूनने के लिए, तो मैं इन्हें इन ड्राई फ्रूट्स को भी हल्का सा रोस्ट कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि इनका कच्चापन निकल जाए और जो नमी हो वो भी निकल जाए। काजू बादाम को फ्रेंड्स अच्छे से हमें रोस्ट कर लेना है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, और ये रोस्ट हो जाएंगे तो और मजेदार लगेंगे खाने में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी रोस्ट हो गया है, तो मैं इसे भी अलग कर ले रही हूँ। तो ये फ्रेंड्स सिंगदाने जो है इनका छिलका हमें अलग करके इसे दरबरा कूट लेना है। इसके छिलके निकाल लेना इस तरह से दबा के। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिंगदाना ले लिया है और इस तो इस सिंगदाने को मैं हल्का कूट लूंगी इस तरह से, दरबरा रखना है। इसे दो से तीन बार में मैं इस तरह पीस ले रही हूँ, हमें इसे ज्यादा महीन नहीं करना है, इस तरह से रखना है इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगदाने को मैंने कूट लिया इस तरह से, तो मैं इसे उठा ले रही हूँ। जो काजू बादाम के मैंने टुकड़े लिए थे ये मुझे बड़े लग रहे थे, तो इसे भी मैं थोड़ा छोटा कर लूंगी, इसे इस तरह से मैं कूट लूंगी, इसे ज्यादा नहीं क्रश करूंगी मैं, बस इतना ही करूंगी। ये मुझे बड़ा लग रहा था इसलिए मैं इसे छोटा कर रही हूँ थोड़ा, बस इतना ही। अब मैं इसे उठा लेती हूँ। तो इसे मैं सेम प्लेट में निकाल ले रही हूँ सिंगदाने के साथ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे खजूर लिए हैं, तो इसके छिलके अलग कर लेना है हमें। ऐसा खजूर लेना एकदम नरम वाला, ये देखिए, और मार्केट में तो बिना बीज वाले भी खजूर मिलते हैं। इस तरह मैं ये सभी छिलके सारे खजूर में से मैं बीज अलग कर ले रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स,
खजूर को मैंने छील लिया है तो, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल लिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा खजूर छिला गया है। मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाला है। आप यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, और ये खजूर को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, इसे एक कड़छी से मैं थोड़ा दबा दबा ले रही हूँ, इस तरह से इसे थोड़ा सा भून लेना है। इस तरह से इसे थोड़ा दबा दबा के इसका लिक्विड निकाल लेना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने चीनी नहीं लिया है, बस इसी से हमें बनाना है। तो ये देखिए, एकदम मुलायम हो गया है, ये इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना मस्त है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने एक से डेढ़ मिनट बस भूना है, और ये कितना सिल्की हो गया है, स्मूथ हो गया है। तो ये चाकू की मदद से इसे निकालते रहना है। ये देखिए, हमें खजूर लेते समय आप याद रखें कि हमें ऐसा खजूर चाहिए, वो ज्यादा कड़क ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें काजू बादाम के टुकड़े डाल दे रही हूँ, और जो हमने सिंघदाना भुना था उसे भी डाल दे रही हूँ, और यहाँ पे मैं अरसी भी डाल दे रही हूँ। अरसी हमें आसानी से मिल जाएगी स्टोर पे। और यहाँ पे मैं ये सफेद वाली तिल डाल दे रही हूँ, और थोड़ी सी बचा ले रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करना है सभी को। और फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर डाल ली फ्लेवर के लिए, इससे टेस्ट और बढ़ जाता है, खुशबू भी बढ़िया आती है। अब इसमें कोट करना है, इसे मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए मैं कड़छी से दबा रही हूँ, और ये पूरा समेटते जा रहा है हमारा खजूर। तो सारे ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर चिपकते जा रहे हैं, ये देखिए। और खुशबू तो बहुत ही मस्त आ रही है, कैमरा गर्ल का अभी से खाने का मन कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना स्मूथ होते जा रहा है जैसे जैसे हम दबा रहे हैं। और गैस का फ्लेम एकदम लो पे रखा है, नहीं तो ये जल जाएगा। ये देखिए, ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, कितनी बढ़िया से। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बर्फी बना रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, कितना मस्त लग रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। ये जो खजूर रहता है, ये खुद में बहुत मीठा रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे गर्मा गर्म ही लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप इसके लड्डू बना के भी रख सकते हैं। तो लग रहा है ना शानदार, कितना मस्त लग रहा है। इसे इस तरह डब्बे में भर के रख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। लेकिन हमें ये सारा लेना है इस तरह से, और इस तरह मैंने ये चॉपिंग बोर्ड ले लिया है, इसे मैंने सारा निकाल लिया है। इस तरह से फ्रेंड्स, इससे हमें बेलनाकार ले लेना है इस तरह। ये देखिए, गर्मा गर्म ही लेना है, तो ये जल्दी से बन जाएंगे, नहीं तो हमने इसमें कोई चाशनी वगैरह नहीं डाले तो ये बनेंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे से रोल हो रहा है ये। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा बन गया है, सेट हो गया है, अपने से ये सेट हो गया इस तरह से। तो हमें इतना बड़ा ही चाहिए था। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये सेट हो जाता है, कितना आसानी से बन जाता है ना ये मजेदार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई तैयार। इसे हम रखेंगे फ्रिज में थोड़े देर के लिए। यहाँ पे मैंने ये सफेद वाले तिल लिए हैं, इसे चॉपिंग बोर्ड पे गिरा दिया है थोड़ा सा, और ये रोल लिया है, इसे इस तरह से इसमें फैला देना है, इसे कोट कर देना है, टेस्ट और इनहेंस हो जाता है। तो ये पूरी तरह से मैं लगा दी इसके ऊपर। आप इसके जगह पे खसखस भी ले सकते हैं, वो भी मजेदार लगते हैं। तो चॉइस आपकी है, आपको कैसे बनाना है। फ्रेंड्स, रोल हमारा रेडी हो गया है, तो इसे फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए। ये वैसे भी सेट हो गया, लेकिन हम फ्रिज में रख देंगे ना तो बहुत अच्छे से कटिंग होती है इसकी।
तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेट हो गया है। हम लोग फ्रिज से इसे निकाल लिए हैं, तो इसे कट करेंगे। लीजिए दोस्तों, पेश है खजूर की बर्फी, नट की बर्फी। आपका मन चाहे इसे जो नाम, इसे मजे से खाइए। ये देखिए पूरा एकदम इसमें नट्स भरे हुए हैं, पर नहीं हो रहा है। इसे आप डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। आप पेश है दोस्तों खजूर की बर्फी, जो झटपट बन जाती है और बनाना बहुत ही आसान है। तो मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना ना।